महाकुंभ में सम्मिलित होने गुना से निकले ओजा समाज मित्र मंडल सेवा समिति के पदाधिकारी। प्रयागराज महाकुंभ में संतों का जमावड़ा शुरू हो गया है। वहीं राष्ट्रीय संत श्री तरुण मुरारी बापू सारंगपुर से प्रयागराज की यात्रा के दौरान गुना में ओजा समाज मित्र मंडल सेवा समिति ने गुना शहर में ओजा मैथिल समाज धर्मशाला पर समाज बंधुओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं संत श्री ने धर्मशालाओं का भ्रमण व व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान गुना से लक्ष्मी नारायण ओझा, राजकुमार ओझा, बनवारी लाल ओझा, मुकेश ओझा सहित मित्र मंडल के मीडिया प्रभारी विजय कुमार ओझा ने संत श्री के साथ प्रयाग यात्रा की। ये सभी मकर संक्रांति के शाही स्नान में सम्मिलित होने के लिए गुना से प्रस्थान किया है। कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। अभी कुंभ है और सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है, उसमें एक हमारी आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं सनातन वैदिक धर्म की, और उसका एक संदेशवाहक होने के नाते हमने भी अपना वहां पर उपस्थिति मेरे समस्त बंधुओं के साथ वहां प्रवेश कर रहे हैं और पंडाल लगेगा, यज्ञ होगा, एक महीने तक अन्न क्षेत्र चलेगा। और चूंकि मैं रामानंद वैष्णव दिगंबरी संप्रदाय से साधु हूँ, इस नाते गुरु सेवा भी वहाँ पर हमारे सभी बंधुओं के द्वारा होगी। इस निमित्त हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। इस मकर संक्रांति में क्या पहला स्नान है वहाँ पे? पहला स्नान मकर संक्रांति को इस बार क्या है, मकर का सूर्य जिसे कहा जाता है वह रात्रि को 2:18 के समथिंग लग रहा है। तो आज 14 जनवरी को ना होते हुए 15 जनवरी को शाही स्नान कहा जाता है, जिसके प्रमुख स्नान का नाम दिया है। शाही शब्द का प्रयोग हमने हटा दिया है प्रमुख स्नानों में या मुख्य स्नान, ऐसा करके हमारे 3 स्नान हैं, जिसमें पहला हमारा जो प्रमुख मुख्य स्नान है वो 15 जनवरी को है। आपका आगमन कहाँ से हुआ अभी? मैं अभी मेरे दीक्षाधाम ट्रस्ट सारंगपुर से आ रहा हूँ, और पूज्य मेरे गुरुदेव और मेरा आश्रम हरिद्वार में है, वहाँ से भी पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, और मेरे गुना के समस्त बंधु लोग मेरे साथ प्रयागराज तक जा रहे हैं।